नमस्कार, आप देख रहे हैं द एच डी न्यूज। गुड मॉर्निंग, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। आज 7 फरवरी है और दिन शुक्रवार। आज 7 फरवरी के जो प्रमुख अखबारें हैं बिहार के, उसमें किन खबरों को स्थान दिया गया है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले दैनिक भास्कर की अगर हम बात कर लें, तो दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से कल हुए घटना को लेकर के बड़े अक्षरों में लिखा है। क्या कुछ लिखा है दैनिक भास्कर में, इसमें हम आपको पढ़कर बता देते हैं। दैनिक भास्कर ने साफ शब्दों में लिखा है, आप जब सड़कों पर निकल रहे होंगे इस वक्त, तो 4-5 दिन से लगातार आपको हर जगह, आप पटना के प्रमुख सड़कों पर कचरों का अंबार दिख रहा होगा। आप जहां जा रहे होंगे आपको बदबू महसूस हो रही होगी। ये जो सफाई कर्मी है वो अपने जो उनका ये है स्थाई है, उनको करने को लेकर के वो लोग परमानेंट करने को लेकर के वो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके वजह से वो लोग हड़ताल पर हैं और इस वजह से पूरे शहर में कचरा फैल चुका है। इसी को दैनिक भास्कर अखबार ने आज प्रमुखता से लिया है और अपने पहले पन्ने पर शीर्षक के जरिए लिखा है, कचरे में शहर। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद नगर निगम कर्मियों की हड़ताल जारी है, अड़े हैं, ये लिखा है। और कल किसी ने नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के आवास के बाहर मरा हुआ पशु फेंक दिया, उसको भी दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से लिया है। लिखा क्या है ये हम आपको बताते हैं। मंत्री के आवास पर मरा जानवर फेंका, सड़कों पर कचरा डालने से सीवरेज जाम, मोहल्लों में बहने लगे गंदे पानी। ये तो हाल हो ही रहा है, चित्र के साथ दिया है। और यह भी लिखा है कि महामारी का खतरा बढ़ा है। क्या लिखा है ये हम आपको थोड़े शब्दों में बता देते हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन गुरुवार को भी जारी रही। हड़ताल कर्मियों के द्वारा सड़कों पर कचरा फैलाए जाने से ड्रेनेज जाम होने लगा है, जिससे सीवरेज का पानी सड़कों पर फैलने लगा है। कंकड़बाग, बांकीपुर व पटना सिटी अंचल में यह समस्या उत्पन्न हो गई है। क्योंकि पूरे पटना का दृश्य जो है वो है, पता नहीं क्यों नहीं सरकार इस पे क्यों नहीं जा रही है। अगर आप कोई कमेंट है इस पे तो आप देना चाहते हैं तो आप हमें शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, लेकिन जो शहर की इस वक्त स्थिति है वो ठीक नहीं। वही दैनिक भास्कर ने दूसरी खबर को भी प्रमुखता से लिया है। कल इसमें हम लोग लाइव भी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो है वो सदन में कह रहे थे, लोकसभा में 100, राज्यसभा में 75 मिनट के भाषण में विपक्ष को घेरा प्रधानमंत्री ने, ये लिखा है दैनिक भास्कर ने। उग्र प्रदर्शनों के लिए जिम्मेदार भी बताया विपक्ष को। बड़े शब्दों में दैनिक भास्कर ने क्या लिखा है ये हम आपको पढ़ के बता देते हैं। लिखा है और कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि नेहरू भी पाक के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा चाहते थे, तो क्या वह हिंदू राष्ट्र बना रहे थे। ये नेहरू पर बड़ा एक तंज कसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस पर राहुल ने क्या कहा ये भी दैनिक भास्कर ने लिखा है। राहुल का तंज, कहा डंडे सहने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास बढ़ा लूंगा। यानी विपक्ष ये कह रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार जो है वो लगातार उग्र हो रहा है, लगातार उनको आजादी के लिए रोक रहा है, उसमें वो डंडे सहने के लिए सूर्य नमस्कार करना सीख जाएंगे। और क्या लिखा है ये हम बता देते हैं आपको। दैनिक भास्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों पर सीएए के खिलाफ उग्र प्रदर्शनों को उकसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने गुरुवार को चेतावनी दी है कि संसद विधानसभाओं के फैसले के खिलाफ सड़कों पर होने वाले प्रदर्शन अराजकता की ओर ले जाते हैं, ये लिखा है दैनिक भास्कर। दो प्रमुख खबरें हमने आपको बताई दैनिक भास्कर से, रुक कर लेते हैं दूसरे अखबार की, जिसमें हिंदुस्तान ने क्या लिखा है। हिंदुस्तान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखा है, बड़े शब्दों में तल्ख तेवर, मोदी बोले सरकार नहीं सरोकार भी बदला। उसके बाद दैनिक हिंदुस्तान ने भी सफाई ठप, मंत्री के घर सामने फेंका मरा जानवर, जिसमें सफाई को लेकर के सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिखे। अगर आप अखबार पढ़ेंगे तो चित्र के साथ आपको हर एक जगह का अलग अलग डिवाइड किया हुआ फोटो के साथ जो गंदगी का अंबार इस वक्त पटना में लगा है वो देखने को मिल रहा है। वही हम बता दें कि हिंदुस्तान ने भी लिखा है सफाई ठप, मंत्री के घर के सामने जानवर फेंका। तो हिंदुस्तान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खबर को लेकर के प्रमुखता से पहले पन्ने पर उन्होंने प्रकाशित किया है।
वहीं सूबे में सफाई कर्मियों की हड़ताल को प्रमुखता से उसने लिया। वहीं अगर हम दूसरी बात कर लें तो दूसरे अखबार की, तो जागरण की ओर अगर हम रुख करते हैं तो जागरण ने भी जो है वो प्रमुखता से लिया। जागरण ने प्रदेश की खबर को प्रमुखता से लिया। अपने फर्स्ट पन्ने पर क्या लिखा है, आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि बिजली कर्मी भी हड़ताल पर थे, वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर भी लाठियां भांजी गई थी। उसी में जो प्रधान सचिव है सीएमडी बिजली कंपनी के, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्युष अमृत जो है, उन्होंने कल क्या कहा ये अखबार ने प्रमुखता से लिया है। बड़े अक्षरों में क्या कुछ लिखा है दैनिक जागरण ने, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रदेश में बिजली कर्मी हड़ताल पर गए तो किए जाएंगे बर्खास्त, ये लिखा है। राज्य सरकार ने हड़ताल पर जाने वाले कर्मियों पर एस्मा लगाने का निर्णय लिया है। अगर सफाई कर्मी की तहत की बिजली कर्मी भी हड़ताल पर जाएंगे तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। और वहीं एक और खबर को, राष्ट्रीय खबर को प्रमुखता से दैनिक जागरण ने लिया है। पीएफआई नेताओं से पूछताछ में कई चौंकाने वाले तथ्य उजागर, आप पर पीएफआई फंड के जरिए यह आरोप लगा है। शाहीनबाग मामले में जांच की आंच आप और कांग्रेस नेताओं तक पहुंची, प्रमुखता से लिया है। नेशनल खबर को क्या कुछ लिखा है, ईडी की जांच के कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। शाहीनबाग के धरने के लिए जहां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा बड़ी मात्रा में धन मुहैया कराने की जानकारी मिली, वहीं पीएफआई के पदाधिकारियों के आप और कांग्रेस के बड़े नेताओं से संबंध की जानकारी मिली है। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले आई इस जानकारी से हलचल मच सकती है, ये प्रमुखता से दैनिक जागरण ने लिखा है। जिस तरह से शाहीनबाग जो मामला है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पे, आप और कांग्रेस नेताओं तक इसकी आंच पहुंची है। वही दैनिक जागरण की अगर हम बात कर लें तो उन्होंने लिया है यातायात के नियम में कुछ बहुत जो है उसमें तोड़ने वालों के लिए अब पेटीएम के जरिए वो भुगतान कर सकेंगे। यातायात पुलिस जो है अब इसमें परिवर्तन किया, अगर आपके पास आप सबसे पहले तो आप किस तरह की यातायात को तोड़े ना, अगर आप उसमें तोड़ते हैं, अगर आपके पास कैश नहीं है और आप ई वॉलेट पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो अब आप यातायात नियम तोड़ने के बाद पेटीएम से इसका भुगतान कर सकेंगे। क्या लिखा है दैनिक जागरण ने, ये मैं पढ़ के बता देता हूँ। बिहार के सभी जिलों में अब ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले और मोटर वाहन अधिनियमों के उल्लंघनकर्ताओं से ऑन स्पॉट ई चालान काट डिवाइस के जरिए जुर्माना वसूला जाएगा, यानी पेटीएम के जरिए ये जो है ये जुर्माना वसूला जाएगा। एक और दैनिक जागरण में मुझे खबर दिख रही है, मैं उसके बारे में भी चर्चा कर लूं, जिसमें सफाई कर्मी को लेकर के किया गया है 60 वर्ष तक के सफाई कर्मी होंगे समयोचित। इसमें क्या कुछ लिखा है ये मैं पढ़ के बता दूं। सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म कराने के लिए गुरुवार को नगर विकास एवं आवास विभाग ने कोशिश की, लेकिन बैठक के बाद भी हड़ताल खत्म नहीं। नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने विभिन्न संगठनों के नुमाइंदों के साथ बैठक में भरोसा दिया कि 1990 तक नियुक्त दिहाड़ी कर्मियों की सेवा स्थायी की जाएगी। 60 वर्ष तक की उम्र वाले दिहाड़ी कर्मचारी आउटसोर्स एजेंसियों में संयोजित होंगे। तो सफाई कर्मी की जो इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर हड़ताल चल रहा है उसको लेकर के नगर विकास विभाग भी पूरी तरह से सफल तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से गंदगी का अंबार लगा है वो कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है। एक और बड़ी खबर आज है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते। बार बार फांसी का जो डेट है, डेथ वारंट का जो डेट है उसको टाल दिया जा रहा है या उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही। इसमें आज क्या प्रमुख खबर है मैं आपको बता दूं, निर्भया के दोषियों को अलग अलग फांसी पर सुनवाई आज दी जाएगी, एक बड़ी खबर है। क्या कुछ लिखा है इसमें मैं आपको बता दूं, दैनिक जागरण ने दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म के दोषियों को फांसी दिए जाने के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल केंद्र सरकार के खिलाफ सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार यानी आज सुनवाई करेगा, तो आज एक बड़ा कुछ ना कुछ फैसला आ सकता है। और तो ये प्रमुख अखबार जो बिहार से प्रकाशित होती है, बिहार में आती है, और आज जो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो खबरें रही उसके बारे में हमने चर्चा की प्रमुख अखबारों की। अगर इस कार्यक्रम में आप किस तरह का हमें सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, इसमें कोई बदलाव चाहते हैं तो अवश्य लिखें। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगता है इसके बारे में भी मुझे बहुत जानकारी दें। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताज़ा अपडेट बिहार और झारखंड से जुड़े खबर आप तक बिल्कुल पहले पहुंच जाएंगी। अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर इसी
तरह से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए तहजडी न्यूज़। नमस्कार।